125 करोड़ 20.42 करोड़, यह है टीम इंडिया के विश्व चैंपियनशिप बनने के बाद मिलने वाली प्राइस मनी। क्या ये पूरा अमाउंट इंडियन टीम को मिल जाएगा या इसमें लगेगा टैक्स, और कौन से अवार्ड हैं टैक्स फ्री, जाने क्या है इससे जुड़ा भारत सरकार का नियम। भारत के वर्ल्ड कप जीतने के बाद अब खिलाड़ियों पर पैसों की बरसात हो रही है, लेकिन प्राइज मनी का पूरा पैसा खिलाड़ियों को नहीं मिलता है। पहले विनिंग प्राइज मनी पर 30% TDS देना होता है, फिर बाकी पैसा खिलाड़ियों को मिलता है। प्राइज मनी पर टैक्स टैक्स अधिनियम की धारा 194B के तहत काटा जाता है। ऐसे ही खिलाड़ियों की मैच फीस या प्रोफेशनल फीस पर लगता है। उनकी मैच फीस से 194JB के तहत 10% TDS का डिडक्शन होता है। भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड अवार्ड टैक्स फ्री होते हैं। इसमें नेशनल अवार्ड, अर्जुन अवार्ड या फिर ऐसे अवार्ड जो भारत सरकार द्वारा ओलंपिक खेल विजेताओं, एशियन गेम्स विजेताओं और कॉमनवेल्थ गेम्स विजेताओं को दिए जाते हैं शामिल हैं।